सीरियल परिणीति की बात करें तो शो में आपने देखा कि किस कदर परिणीत को बदनाम कर दिया गया। पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि परिणीत अबॉर्शन के लिए नहीं आई थी, लेकिन अचानक से पूरी बाजी उसने पलट दी और कह दिया कि इसने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, ये अबॉर्शन के लिए ही आई थी। हालांकि परिणीत अपनी माँ को फोन लगाकर सबके सामने ये उनसे बात करती है, स्पीकर ऑन करती है, जहाँ माँ कहती है कि मैंने किसी भी अबॉर्शन लेटर पर साइन नहीं किया है और मेरी बेटी भला ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बेबे है वो फिर से उल्टी सीधी बातें जो है वो परिणीत की माँ को कह देती है। परिणीत बहुत अकेली हो गई है, परिणीत का साथ सबने छोड़ दिया है, लेकिन चंद्रिका को विश्वास है कि परिणीत ऐसा कर ही नहीं सकती है, इसलिए वो जाकर परिणीत से बात करेगी और कहेगी कि ये पूरे मामले में कोई और भी है जो तुझे फंसा रहा है और मुझे शक बेबे और नीति के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ दिनों से एक साथ हैं, एक साथ ये लोग बातें कर रहे हैं, एक साथ ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलिए कि बेबे का असली चेहरा भी ताई जी के सामने आएगा, जहाँ बेबे कहेंगे कि परिणीत का बच्चा गिरा देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बात सुनकर ताई जी बेबे को बहुत तेज़ डांटती हुई नजर आएगी, लेकिन परिणीत हार नहीं मानेगी, क्योंकि परिणीत के ऊपर इतना गंदा लांछन जो लगा है उसे दूर करने के लिए वो चंद्रिका के साथ जासूसी करती हुई नीति और परिणीत की नज़र आएगी। वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, आखिर हॉस्पिटल में कौन आया था, किसने साइन किया था। देखना दिलचस्प ये होता है कि क्या परिणीत सबके सामने बेबे का सच लेकर आ जाएगी कि यहाँ पर साइन करने वाली कोई और नहीं बल्कि बेबे ही है। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना।